हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज जो सबके लिए काम आने वाली है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग। देखिए, आजकल गर्मियों के टाइम में सभी नींबू का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसके बाद हम इन छिलकों को फेंक देते हैं। तो इन छिलकों से हम तैयार करेंगे एक ऐसी चीज जो सबके घरों में हर घर में काम आने वाली चीज है। तो मेरे माइंड में आया कि अगर हम ये छिलके वेस्ट कर देते हैं तो इन छिलकों से कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो सबके लिए यूजफुल हो। और हमारे जो नींबू है, इतने महंगे नींबू आते हैं क्योंकि गर्मी आती है तो महंगाई नींबू के रेट भी बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम इसका रस निकाल के इन्हें फेंक देते हैं। तो या तो मैं डाल लेती हूँ उनका नींबू का अचार, या मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। आज एक नई ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो चले जाइए, देखिए मैंने ये नींबू के छिलके ले ली है, इनका रस निकाल लिया था क्योंकि जब शिकंजी वगैरह हम यूज करते हैं उसके बाद एक बाउल में डाल के मैं इन्हें इकट्ठा करती रही। और अब मैं जब ये थोड़े से ज्यादा हो गए तो अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इनके साथ क्या करूँगा। देखिए, ये मेरे जो नींबू के छिलके थे इनको मैंने प्लेट में रखा हुआ है। अब उसके ऊपर से जो हमारा घर का जो सर्फ होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया है सर्फ, और इसमें अच्छा सा डाल दिया है। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में पीसेंगे और देखते हैं कि बहुत अच्छी सी हमारी काम में आने वाली चीज़ तैयार हो जाएगी। तो चलिए कर बनाते हैं, इसे मिक्सी में पीसते हैं और उसके बाद उसे छानेंगे। दोस्तों, हम मिक्सी को थोड़ी थोड़ी बंद करके चला के थोड़ी देर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इसको हमें धीरे धीरे से पीसना है क्योंकि ये छिलके थोड़े टाइट होते हैं तो इससे हमारी मिक्सी रुक सकती है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके चलाएंगे और जब तक ये बारीक ना हो जाएं इन्हें रेगुलर पीसते रहेंगे क्योंकि हमें एकदम बारीक चाहिए, तभी तो हम इन्हें छान पाएंगे छलनी से। तो इनको हम बारीक होने तक पीसेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कुछ इस तरीके से पीस गया है बारीक होने पे। अब हम इसमें डाल देंगे ये सिरका, थोड़ा सा सिरका डाल देना, मेरे पास खत्म था और जितना है मैं इतना डाल देती हूँ। आप इसमें चाहे तो वाइट सिरका भी ले सकते हैं, और मेरे पास था ये एप्पल साइड विनेगर तो मैं वो ही डाल देती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरीके से इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको अपनी छलनी में डोंगे में ट्रांसफर कर लेते हैं और छलनी में से इसको छान लेते हैं। मेरे लिए छलनी और एक ले लिया डोंगा, तो इसमें अब मैं ये ट्रांसफर कर देती हूँ इसमें। और इसमें से ये छलता रहेगा, इसका जूस हमें निकाल लेना है और जो ऊपर का जो रॉ मेटेरियल है उसे हटा देंगे हम इस तरीके से। पहले भी ये मैं सारे पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो किस तरीके से आया। मैंने नींबू को पीस लिया है, अब इसको छान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको जैसे सबको पता है कि नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये मैल को काटता है, और ऊपर से सिरका भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें खट्टी चीज़ें होती हैं, उनसे जल्दी से मैल साफ हो जाता है। तो मैंने ये थोड़े से अपने बर्तन इसे मान के चेक किए, मेरे यकीन मानिए आप, मेरे बर्तन इतने अच्छे से चमक गए और बर्तनों के साथ साथ मेरे हाथ भी इतने साफ हो गए। तो और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब प्योर, हमारी जो घर की वेस्ट चीजें होती है उनसे बना हुआ। तो अगर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा डिटॉल तो हमारा हैंड वॉश करने वाला साबुन भी ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो वेस्ट वाली चीजें हैं उन्हें यूज में ले सकते हैं। तो और अब मैं इसको कर लेती हूँ ट्रांसफर अपने, ये जो बोतल है आपको पता ही कितनी महंगी ये जो डिशवाश वगैरह आते हैं, और इसमें मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ इसे। फ्रेंड्स, ना तो ये ख़राब होता है स्टोर करने से और हम लंबे टाइम तक इसे चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने खुद से ये तैयार किया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। इसे जैसे हाथों जहाँ हम रेडीमेड लाते हैं उनसे हमारे हाथ थोड़े ड्राई हो जाते हैं, यकीन मानिए मेरे हाथ तो इसे एकदम साफ़ हो गए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। उन किस तरीके से जो वेस्ट में देते हैं उन किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। ज़्यादातर हम मैं क्या करती हूँ, जो छोटे से छिलके होते हैं उन्हें मैं एक बाल्टी में डाल जाती हूँ और उसको थोड़ी सी मिट्टी के लिए डाल देती हूँ, तो वो हमारा एक वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छा सा जो खाद मार्केट होती है वो रेडी हो जाता है।
ड्राइंग्स में डाले। ये घरेलू चीज होती है जो इनसे हम जो वेस्ट हो जाती है उन्हें भी हम अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं एक अच्छा सा सोप तैयार करूँ, तो ये मेरा बहुत अच्छा सोप तैयार हो गया इससे। और हमें पता है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो कि हमारे हाथों को भी खराब करेगा। और नींबू और ओनली दो तीन चम्मच मैंने इसमें सर्फ डाला, कोई भी आप सर्फ ले सकते हैं। तो उससे हमारे जो ये सॉस साबुन है बर्तन मांजी तो रेडी हो गया, डिशवाशर रेडी हो गया। और अगर हम इसमें थोड़ी सी डिटॉल डाल देंगे तो हम इसे हैंड वॉश करने का हैंड सोप भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को काम में डालते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी सी मैं ट्राई करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी चीज़ है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो वेस्ट मटेरियल है अगर हम उसमें लाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अपने हाथ से हम कोई चीज़ बनाते हैं, किसी नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने आपके साथ अपनी ये चीज़ें शेयर करी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।